हाय हेलो सलाम नमस्ते एंड जूली टू एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। सो अभी मैं जस्ट उठी हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर माय हेयर, इट्स वेरी मेसी। तो हाँ, आज छुट्टी है तो क्योंकि आज दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल माय इंडियन फ्रेंड्स। मे दिस ईयर ब्रिंग्स योर लव, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर्चून गाइस। सो आप लोग सेफ से दिवाली को मनाइए, इंजॉय करिए और हैप्पी दिवाली वंस अगेन आप सभी को। तो चलो दोस्तों, अभी हेयर को धोते हैं क्योंकि कल रात को मैंने एलोवेरा जेल लगाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो कैसा रिजल्ट आएगा, मैंने ओवरनाइट लगा के रखा था। तो अभी हेयर को वॉश करेंगे, लेट्स सी कैसा दिखता है। अभी तो मेरा हेयर बहुत ही मैसी और फ्रिजनेस सा दिख रहा है। एंड हाँ, आई फाउंड दिस क्यूट लिटिल बो फ्रॉम द मीशो। तो अभी जस्ट मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो बाल सूखने के बाद पता चलेगा कि असली रिजल्ट। वैसे तो ऐसे टच करने से लाइक स्मूथनेस सा फील हो रहा है, बट एक्चुअली में ये शाइन करता है कि नहीं सूखने के बाद पता चलेगा दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मेरा फिर से ब्रेसेस का अपॉइंटमेंट है। तो कल का ब्लॉग मैं लाइक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई थी दोस्तों। तो हाँ, कल के ब्लॉग में मैंने बोला था कि आफ्टर वॉशिंग योर हेयर कैसा रिजल्ट होगा। तो हाँ, रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकला है दोस्तों। लाइक हेयर है ना, बहुत स्मूथ सा लग रहा है, छूने से बहुत स्मूथ सा लग रहा है। तो अभी मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ दोस्तों। आज मुझे एग्जैक्ट 9 बजे पहुँचना था डेंटल के पास, बट मैं पहले अटेंडेंस देख के फिर जाऊँगी। बट 9 तो बज रहा है, आज मैं थोड़ा लेट हो गई, पहले मुझे अटेंडेंस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में मुझे डेंटल के पास लेट भी हो सकता है। तो आजकल ठंड में स्कूटी भी बहुत मुश्किल से लेकर स्टार्ट नहीं होता है। तो अभी स्टार्ट हो गया, जैसे तैसे करके मैंने इतना किक मारा, 40-45 तो मैंने किक मार के, नहीं तो स्टार्ट नहीं हुआ ये। तो चलो अभी जल्द से जल्द जाते क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई। अभी मेरे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हो चुका है, तो नेक्स्ट मंथ मेरा लोअर ब्रेसेस परमानेंट के लिए उतारेंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी क्योंकि इसको लगा के मेरे को 3 साल हो गए दोस्तों, ब्रेसेस को लगा के। तो या आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। तो अभी मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ। ऑफिस लचा प्लिप तेन ले। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे क्योंकि मैं पिछले वाले व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई थी दोस्तों, तो आज मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलो आज मेरे साथ बने रहिए आप लोग। टुडे संडे, तो पहले आज संडे है तो थोड़ा मैं लेट से उठी थी, अराउंड 11 बजे, प्लीज़ डोंट जज। तो अभी पहले मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, तो अभी पेस्ट करेंगे दोस्तों। लेट्स पेस्ट। आप लोग ये मत सोचना कि इतना सो के बैठी है, तो संडे है दोस्तों, संडे को तो सारे सो के ही बैठते हैं, और मेरा तो हमेशा ही संडे को मैं हमेशा लेट से होती हूँ। तो चलो अभी फेस वॉश करेंगे। डॉन की का फेस वॉश यूज़ करती हूँ आजकल मैं, और मेरे को ये कुछ खासा नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि रेक्ल वाला ही सूट हो रहा है मुझ पर, क्या करे, शौक है शौक, सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करो तब जाके रिजल्ट पता चलता है हमें। इसे यूज़ करूँगी मैं हमेशा, फेस वॉश 2 टाइम यूज़ करती हूँ हर वक्त, क्योंकि मेरी आदत है 2 टाइम
यूज करना। धो लिया, अब इसको पोंछेंगे। हमेशा फेस को ऐसे करके रब नहीं करना होता है, वी नीड टू जस्ट डैब इट लाइक दिस। तो चोटी को देखिए दोस्तों, आई लव टू मेक ब्रेड्स लाइक दिस स्पेशली ऑन संडे। उसके बाद सीरम लगाएंगे, एज यू कैन सी दिस इज ऑल्सो फ्रॉम डॉट एंड की। वन टू थ्री, तीन ड्रॉप लगाएंगे, थोड़ा कंजूस करेंगे क्योंकि ये एकदम से खत्म हो जाता है। वैसे मुझे सीरम का रिजल्ट कुछ पता नहीं चल रहा है दोस्तों, कुछ भी सीरम लगाओ सारे सेम ही लगते हैं। सीरम ऐसे ही लगा लेती हूँ जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी, बाकी मुझे खास रिजल्ट पता नहीं चलता है इन सबका। मॉइस्चराइजर लगाएंगे, पिछले वाले व्लॉग में भी मैंने कहा था मॉइस्चराइजर मैं रेगुलर का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे यही सूटेबल लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर से रेगुलर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वाला फिर से यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वही सूट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉट एंड की से मेरा फेस थोड़ा सा डार्क हो गया है, ऐसा लगता है मेरे को। उसके बाद लगाएंगे लास्ट वाटरमेलन सनस्क्रीन लगाऊंगी। इसको मैं ऐसे करके लगाती हूँ हमेशा टाइम पास। डन, मॉर्निंग रूटीन इज डन। लो अब इसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैंने सोचा है, मैंने आलू उबाल के रखा है, आलू के पराठे और प्याज के पराठे बनाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से अभी मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि हम विंटर वाले रूम में रहते हैं, तो ये हमारा समर वाला है या जो भी बोलो, समर में हम ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं ऊपर वाले रूम में और विंटर टाइम पे हम नीचे रहते हैं। मैंने पूरा कट की इसमें सारा मसाला वसाला डाल के, ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल दिया है छोटा छोटा पीस करके। तो चलो अभी प्याज के पराठे बनाएंगे। क्योंकि ये प्याज के पराठे ना दोस्तों ऐसे फट जाते हैं, अच्छा नहीं बना दोस्तों, पूरा फट गया साइड से। लेट्स ट्राई सेकंड वन, सेकंड वाला बनाएंगे। मुझे इतना परफेक्ट नहीं आता दोस्तों, बट आई एम ट्राइंग। तो चलो अभी प्याज के पराठे को टेस्ट करेंगे। पहले सेकंड वाला थोड़ा सा परफेक्ट बनाए दूंगी जैसा भी परफेक्ट जैसे हाँ छिंजूगा तो फिर छा कम रहा। नमक कम है थोड़ा मेरे प्याज वाले पराठे में, बाकी ओवरऑल अच्छा है क्योंकि मैंने चीज़ भी डाला इसमें, शायद से चीज़ भी दिख रहा है ना। आलू के पराठे को टेस्ट करेंगे। आलू पराठा है चीज़ बनकर पता चीज़ तंस भी नहीं ना चंद मुगर चीज़ चंद तंस में चीज़ स्लाइस चिकन पेड़
दुख खरा मेरे चलते चीज़ चंगा दुख समझ में टेस्ट चला पता नहीं चीज़ कहाँ गुम हो गया। चीज़ मम्मी ने डाला इसमें 1.5 चीज़ का कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है। ओवरऑल दोनों अच्छे बने हैं। अभी पूरा बर्तन वॉश करेंगे। बर्तन भी धो दिए को ग्रीन हाउस के अंदर ले चलते हैं। ये रहा मम्मी का हार्ड वर्क। हमारा छोटा सा खुद का ग्रीन हाउस है और इसमें क्या क्या लगाए मुझे कुछ पता नहीं है। ये मिर्ची लगाया। कौन सा? ये वाला मिर्ची। ये मिर्ची लगाया हुआ है। ये पालक। ये पालक। उसके आगे स्ट्रॉबेरी। ये वाला ना। ये स्ट्रॉबेरी, वो भी पालक। ये स्ट्रॉबेरीज लगे हुए और वो पालक। पालक। उसके आगे धनिया। धनिया। उसके आगे वो लंबा वाला मिर्ची। हाँ ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ना वो पूरा मिर्ची लगे। मिर्ची लगे। हाँ बाकी पूरा पालक लगे। अभी तो पूरा पालक है। विंटर्स में बस हम यही खाते हैं क्योंकि विंटर्स में ना जो सब्जी मिलती है बाहर वो थोड़ा ज़्यादा मतलब मंगपो आखिर अमीर वाला महंगा भी लेते और ऊपर से कुछ टेस्ट भी नहीं आता है तो हम ज़्यादातर ग्रीन सब्जी यहीं से ही खाते हैं अपने ग्रीन हाउस से। पक्चू कहाँ है? पक्चू हिंदी ना चीज़ हम मान हिंदी ना पक्चू सर पता नहीं हिंदी में क्या बोलते लद्दाखी में तो इसको पक्चू बोलते। पक्चू बहुत टेस्टी होता है गाइस। फिर ये वाला लगा चिलवाई चिकन छिंचे लगाए छिंचे। हाँ मोमो में डालने वाला ये पता। हाँ ये वाला छिंचे है जो मोमो बनाते ना उसके अंदर ये छिंचे डालते बट हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ये भी मिर्ची है। ये तो पुदीना है। वो सारे चटनी बनाने के लिए पुदीना। पॉलीथीन वाले ग्रीन हाउस में ले जाते एंड दिस इज दी। और ये जो पॉलीथीन लगाया ना एक दिन मेरी मम्मी ने लगाया था हाँ तो इसमें पूरा धूम धूम से ना हिंदी ना चीजानो पता नहीं धूम्स तो बोला है यार मुझे कुछ पता नहीं चल रही। पालक तो सबको पता है ना पालक और धूम्स लगाया और ये कुछ ऐसा है। देखिए दोस्तों ये अपने खेत का है मूली। इतने बड़ी बड़ी मूली इसमें मंगो छोंग लो हाँ तो ऐसे ही रखने से ना खराब ही हो जाएगी। इतना सारा मूली कौन खाएगा यार। आप लोगों को ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो हमारे घर के ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ से ठीक से मॉनेस्ट्री का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है दोस्तों। बट आई एम वेरी सॉरी क्योंकि जूम नहीं हो रहा है मेरे फ़ोन से। और ये रहा नज़ारा कुछ ऐसा। सारे मूली को धोएंगे फिर ले जाएंगे सेल करने। I just washed my hair and took a shower. Boom! मेरे को भी ज़्यादा मेरे पास लाइक मेरा हेल्प हो गया जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने इतना ही लाइक इतना हेल्प कर दिया था और ये फाइनली कर दिया। चलो मैंने बाल भी बांध लिए क्योंकि सुखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों। अब लास्ट में करेंगे टच टचअप। टचअप में बस मेरा यही लिपस्टिक ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बस रेडी होने को क्या पैन पहना एंड स्वेट शर्ट दैट्स इट। ज़्यादा सच में संवरने की शौक नहीं है मुझे इतना।
तो मैं स्कूटी पे जा रही हूँ, तो इसलिए पहले जैकेट पहनूंगी क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो पहन लिया। अब उसके बाद चश्मा पहनेंगे, के बाद हेलमेट, फिर उसके बाद और मफलर लास्ट में। ये सारे चीजें स्कूटी पे मस्ट है, मास्क, स्पेक्स, ग्लव्स, मफलर और जैकेट, विंटर में तो मस्ट है। ये तो बैग को इसके अंदर एडजस्ट करके मैं ऐसे करके डाल दूंगी क्योंकि मुझे काश मुझे गाड़ी चलाना आता तो हम खुद कई गाड़ी चलाती यार मैं हमेशा रोज, ना कि मुझे स्कूटी पे ऐसे ठंड में जाना नहीं पड़ता। पर क्या करे, मुझे चलाना नहीं आता रोज इतना परफेक्ट। चलो अब किक मारते, ये किक वाला पार्ट है ना मेरे को दिमाग खराब करते हैं क्योंकि विंटर में किक है ना लाइक 50 बार मार के नहीं तो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो चलो अब किक मारेंगे, पहले आज 42 पे स्टार्ट हुआ, 42 पे मुझे ना ये किक मारना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वार्म अप हो रहा है। को मैं कैसे लेके जा रही हूँ, तो अभी मैंने फ्यूल भी फिल कर लिया यही ठीक से फिलिंग स्टेशन से। मैं चौगलम सर पहुँच चुकी हूँ और अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को क्योंकि मैं जस्ट शावर लेके आई थी, तो यह बहुत ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ घर में, सेल वेल करके आ गई। उन्होंने कहा कि आप लोग का मूली इतना बड़ा बड़ा है तो नेक्स्ट टाइम फिर से होने से फिर से लाने के लिए कहा है उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है आंटी जी। तो चलो अभी चाय शाय पीते हैं, मैगी पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, तो फिर अभी गरम गरम मैगी खाएंगे। ना फोकता हूँ छुपा मैं, तो तुम बहुत छुपा चलो अभी मैगी पियेंगे। ठंड में मैगी का कुछ अलग ही स्वाद आता है। टंगा उसको फूटेगा सुन, मैंने पति छा मैं बोले यूं से लाया हमने स्कूटी का जी आज जी भैया एक तो हम शाम के टाइम पे आए ना, तो इसलिए एक तो हवा भी चल रही थी और वैसे भी तो फिर तो यानी कि मॉर्निंग इवनिंग तो ठंड रहती ही है। तो टुडे इज द नेक्स्ट डे, तो अभी हमें छुट्टी होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को एंड करूंगी दोस्तों, क्योंकि ये वाला वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है क्योंकि मैंने 1 वीक से कंप्लीट नहीं किया था, तो या वीक हो गया है इसको बिना कंप्लीट करे हुए। तो या इसी के साथ मैं आज वीडियो समाप्त करती हूँ दोस्तों। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबाना। तो चलो दोस्तों इसी के साथ मैं बाय बोलती हूँ आप सबको, आप लोग अच्छे से रहना अपने अपने घर पे। तो बाय दोस्तों, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।